Hello ladies and gentlemen, good morning, welcome back to my channel once again and welcome back to yet another video. I hope you guys are doing absolutely fine in this quarantine time, and the reason I'm back here is because we are going to bring back our Adventure 390 home. और खुशी की बात यह है कि वो 80-85% कस्टमाइज हो चुकी है, उस पर क्रैश गार्ड लग चुका है, उसका सैडल स्टे तैयार हो चुका है. द ओनली थिंग लेफ्ट इज द बैच प्लेट, एल्यूमिनियम का है पूरा, और जो बाकी के जो है इट्स हाई क्वालिटी मटेरियल. आई ओनली थिंक जो चीज़ नहीं हुई है वो है उसका पेंट, आई मीन द क्रैश गार्ड का, क्योंकि ऑफकोर्स लॉकडाउन के बाद सारे जो फैक्ट्रीज थे सब थे वो बंद हो गए, एंड आफ्टर दैट इट वॉज रियली डिफ़िकल्ट टू गेट थिंग्स डन. बट एनी वे, सो इट्स बिन लाइक इट्स 54 days आई हैवन सीन माई KTM एडवेंचर. और फिर शार्दुल के साथ हम कार में जाएंगे क्योंकि बाइक पे डबल सीट अलाउड नहीं है, एंड बी अवेयर गाइस, डू नॉट ब्रेक रूल्स. गाइस, हमारा दोस्त शार्दुल वो हमारे साथ मौजूद है. आपने इसको देखा होगा हमारे थामला स्क्वायर के व्लॉग में. भाई ने हमको क्या बोलते सेकेंड टाइम इंट्रो करने लगाया था वो वाली वीडियो में. सो गाइस, हियर वी आर फाइनली एट फैंटेसी ऑटोमोटिव, एंड जस्ट सी व्हाट वी हैव हियर. आ ब्यूटीफुल एडवेंचर 390 जो कि ऊपर से खोल कर के रखी है, लेकिन क्रैश गार्ड रेडी है. इसकी हालत देखिए पूरी ख़राब हो चुकी है, पूरी धूल मिट्टी गाड़ी पे, लेकिन मस्त तो साफ हो जाएगी. तो गाइस, फाइनली यार KTM एडवेंचर 390 हैज बीन मॉडिफाइड, एंड द प्रोटोटाइप जो है इस पर ऑलरेडी लग चुका है. गाड़ी दूर से बहुत अमेजिंग दिख रही है. आई एम नॉट जस्ट सेइंग फॉर द सेक बिकॉज आई हैव डन इट फ्रॉम द पीपल हु आई नो, बट इट्स एक्चुअली इट्स प्रीटी गुड. सो टू बिगिन विद, आई विल बिगिन विद सैडल स्टे एंड टॉप रैक. ये जो दोनों जो पार्ट्स है ये काफ़ी अलग है. इसकी जो माउंटिंग्स है ये यहाँ पर है, आपको दिखाता हूँ, और इसकी जो ऊपर की माउंटिंग है वो यहाँ पर होगी. अगर आपको ये लुक पसंद नहीं आता है, आपको इसका नीड नहीं है, सो व्हाट यू कैन डू इज, वेट, आई विल शो यू, यू कैन गो फॉर दिस लुक आल्सो. आई मीन दिस साइड उनने क्या किया है कि अभी का फ़िलहाल उधर लगाया और इधर का छोड़ दिया है. सो यहाँ पर आप ये देख सकते हो इसका लुक, ये सिर्फ यहाँ पर टॉप रैक है, एंड इट लुक्स कम्प्लीटली नीट. जब ये एक्चुअल में इसका जब कोटिंग पेंट हो के आएगा तो ये बहुत ज़बरदस्त दिखेगी. नाउ द टू मेन प्रोटेक्टिव थिंग्स फॉर द बाइक जो मुझे बहुत ज़रूरी लगे थे और जो इस मॉडिफिकेशन का मेन हिस्सा था, सो दैट वाज दिस क्रैश गार्ड. और नीचे है हियर अपने पास है इसको स्किड प्लेट भी बोलते हैं या बैच प्लेट भी बोलते हैं. सो इट्स कम्प्लीटली मेड ऑफ एल्यूमिनियम, एंड आई मीन दिस ये प्रोटोटाइप है, ये तो फिलहाल अलग है, बट अभी मार्केट बंद होने की वजह से उसका कटिंग होके आया नहीं है, बट सून वील गेट दैट. बट लुक एट दिस, ये क्रैश गार्ड देखो यार. सो गाइस, दिस इज जस्ट टू शो यू कि जब गाड़ी गिरती है या कुछ इस पर होता है तो इम्पैक्ट इसका कैसा ही होगा. गाड़ी इससे ज़्यादा मैक्सिमम ये नहीं हो सकती पूरी, मोस्टली जब अगर घसती है वो ये होती है तो यही पोजीशन में ज़्यादा से जाती है. और आप देख सकते हैं कि इसको जो पूरा जो क्रैश गार्ड है इट प्रोटेक्ट्स ऑलमोस्ट ईच एंड एवरीथिंग. ऐसे काफ़ी ब्रांड है जो इसको जिसने बनाया है, लेकिन जस्ट लुक एट द क्वालिटी एंड फिनिश. आई मीन the video might not justify how beautiful and how strong this is made. So what I'll do is I'll
कॉल द इंजीनियर हु हैज मेड दिस एंड लेट हिम एक्सप्लेन कि एग्जैक्टली इसको अगर कैसा गिरता है, क्या होता है और इसके माउंटिंग एग्जैक्टली वहाँ वहाँ पर क्यों दी है। हाय, आई एम चैतन्य फ्रॉम फैंटेसी ऑटोमोटिव। ये जो क्रैश गार्ड बनाया है, ये इसकी डिज़ाइन हमने इस तरीके से बनाई है कि इसमें टैंक भी गार्ड हो जाए, आपका ये जो टैंक है ये भी गार्ड हो जाए एज वेल एज इंजिन गार्ड, ये पूरा एक ही इसमें आ जाता है। तो बेसिकली जब क्रैश होगा तो पूरा जो पहला इम्पैक्ट होगा वो यहाँ पे ये पॉइंट होगा, ताकि क्या होगा अगर ये पॉइंट पे इम्पैक्ट होता है तो आपका टैंक पूरी तरह से सिक्योर रहता है, इसमें कुछ भी डैमेज नहीं होगा। और आपने जो इंजन गार्ड को इंजन को ये जो चेंबर है इस पर भी प्रॉब्लम नहीं जाएगा, क्योंकि यहाँ से भी एक हमने सपोर्ट दिया है और ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, ये पूरा लूप होके फिर से इसके माउंटिंग प्लेट पे आया है पूरा, तो इट विल एज गुड एज ओरिजिनल वन वी कैन से। सो कैसा है, इसमें चेंबर भी आपका कवर हो जाता है और टैंक भी कवर हो जाता है, तो ये क्रैश गार्ड की एक खासियत है। सो अपने को जो मेन प्रॉब्लम आई थी वो कैटलिक कन्वर्टर आई थी जो BS6 का था, स्पेशली इसके डिज़ाइन में, और अभी भी मैंने मार्केट में देखा है कि कुछ कुछ जो स्पेशली बैश प्लेट है उसकी डिज़ाइन अभी उतनी कुछ खास की है, बट दीज गाइज हैव रियली वर्क हार्ड और इन्होंने ये किया है, सो ही विल एक्सप्लेन यू दैट ऑल्सो। बैश प्लेट एंड और स्कीड प्लेट जैसे कहा गया है, तो इसमें क्या होता है हमने पूरा कवर करने की कोशिश की है, ताकि आपका आगे से भी पूरा अच्छे तरीके से कवर हो जाए और नीचे से, क्योंकि जो अभी स्टॉक में भी जो आ रही है, जो स्टॉक में बैश प्लेट लग के आ रही है या फिर आफ्टर मार्केट जो भी मिल रही है उसमें यहाँ से एक स्लॉट दिया है, ठीक है। तो ये स्लॉट होने के कारण प्रॉब्लम ऐसे जाता था यहाँ से कि जो एग्जॉस्ट का जो पाइप गया है यहाँ से, तो वो हम डैमेज होने का डर था। तो हमारे डिज़ाइन में ये पूरा प्लेट नीचे से प्लेन है जो कवर करता है एग्जॉस्ट पाइप को भी और नीचे से इंजन को भी, तो ये हमने कोशिश की है इसमें डिज़ाइन ऐसे रखने की ताकि पूरा का पूरा इंजन भी कवर हो जाए आपका और एग्जॉस्ट पाइप भी कवर हो जाए। सो आई विल शो यू फ्रॉम बोथ साइड्स। सामने से इसका लुक कुछ ऐसा आया है एंड जस्ट टू गिव यू गाइज अ साइड प्रोफाइल ऑफ इट, दिस इज हाउ इट लुक्स। आई मीन यस, दिस इज प्रिटी गुड फॉर इन्फो एंड आई मीन इट्स रियली इम्पॉर्टेंट। तो ये जो हम टेल रैक लगाया है, दिस कैन सस्टेन अप टू 90 kgs ऑफ वेट, सो दैट्स लाइक प्रिटी अमेजिंग। ये आराम से 90 से 120 kg तक के तो आराम से वेट सहन कर सकते, जो कि मेरा तो कर ही रहा है, लिवरेज पॉइंट होने के बावजूद भी यहाँ पे 90 kg तो आसानी से सहन कर लेगा। रियली गाइस द बिल्ड क्वालिटी, आपको मैं फिर से यही कह रहा हूँ कि ये जो है ये सब प्रोटोटाइप है, ये एल्यूमिनियम की रहेगी प्लेट एज वेल एज द बैश प्लेट ऑल्सो इन एल्यूमिनियम एंड लेजर कटेड। ये जो है ये जो प्रोफाइल्स है ये और क्लीन रहेंगे, क्योंकि ये सब प्रोटोटाइप है, ये और क्लीनली बनेगा फाइनली। सो गाइज शूट डाउन योर क्वेश्चंस इन द कमेंट सेक्शन बिलो एंड वीडियो क्लोज करने से सबसे इम्पोर्टेंट इन्फो, इसकी प्राइस कितनी होने वाली है। सो आई विल आस्क हिम ऑल अबाउट द प्राइस एंड एवरीथिंग। सो दिस थिंग, ये जो दोनों साइड है 6800 प्राइस है इसका। द बैश प्लेट और स्किड प्लेट इट विल कॉस्ट यू अराउंड 4200, सो प्रीटी गुड प्राइस कंसिडरिंग दैट इट विल बी कम्प्लीटली ऑफ एल्यूमिनियम, अगेन अ गुड जॉब। सो हियर इट इज टेल रैक विद टॉप प्लेट, ये जो कॉस्ट है इसका 3250 एंड द पेयर ऑफ साइडल स्टे, दैट मीन्स इधर का भी और उधर का भी, ये हो जाएगा 2150, बराबर ना? 2150। सो दैट्स इट गाइज, शूट योर कमेंट, शूट योर थाट्स, शूट योर व्यूज अबाउट द बाइक एंड द कस्टमाइजेशन डन ऑन इट। सो लेट मी बी ऑनेस्ट विथ यू, आई एम नॉट अ बिग फैन ऑफ टू मच लुक्स एंड एस्थेटिक्स इन टू इट। मेरा जितना ये है वो है कि इसका यूज़ कैसे हो एंड बाइक प्रोटेक्टेड कैसे रहे। सो फॉर मी दिस इज़ द थिंग आई वॉन्टेड टू डू। अपार्ट फ्रॉम दिस आई विल बी पुटिंग मैड डॉग के जो ऑक्सिलरी लैम्प्स है वो यहाँ लगाएंगे। इन फ्यूचर इफ़ आई वॉन्ट टू रेज माई हैंडल, सो वी कैन पुट 1 inch ऑफ हैंडल राइजर ऑन इट एंड दैट्स प्रीटी मच आई गेस। अपार्ट फ्रॉम दैट आई एम नॉट, एज आई टोल्ड यू, आई एम नॉट अ बिग फैन ऑफ बीक एंड
looks into it. Another one thing which I would like to do, a modification or sort of adding up, would be ये बाइक की जो विंडशील्ड है एंड मुझे इसका थोड़ा जो हाइट है वो थोड़ा सा इतना चाहिए. सो बाय सेटिंग इट अप एंड बाय मेकिंग इट हायर इट कम्स अप टू दिस, बट आई वुड रियल लाइक इफ इट इज़ लाइक दिस मच लेवल. सो उसके मेरे को दो फायदे हो गए, व्लॉगिंग में भी आई कैन पुट माय गोप्रो ओवर हियर एंड गेट अ नाइस शॉट, एंड अनदर थिंग वुड बी विंड प्रोटेक्शन जो मेन इसका ये रहेगा. सो दैट्स इट फॉर यू गाइस. नाउ लॉकडाउन की वजह से अभी फ़िलहाल इंडस्ट्रीज बंद है तो लेज़र कटिंग नहीं हो रही है और कुछ चीज़ें नहीं हो रही. सो आई विल बी होपफुल के दैट इन अनदर वीक विल गेट द कलर कोटिंग पाउडर कोट दैट इज फॉर दैट प्लेस फॉर दिस वन. एंड आई एम प्लानिंग टू कीप दिस टॉप रैक इन एल्यूमिनियम फिनिश दैट वुड बी इन सिल्वर कलर एंड देन पुट अ टॉप बॉक्स इन इट ऑन इट maybe around 38 to 40 liters and I think that I would be good to go. So let's go back home now. Thank you guys for watching it. If you like it, do hit the like button. Also, if you're new to my channel, please subscribe to my channel and see you in yet another video. Until then, next destination, please.